Hey guys, welcome to my channel and welcome to a new vlog here in Goa. So right now I am in Anjuna. Anjuna में एक place है, restaurant है, नाम तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा. तो मैं यहाँ पे हूँ और अपने एक friend के साथ आया हुआ था, उसका भी off था. So friend जो है मेरा कानपुर से ही है. So आज उसका भी off था तो सोचा क्यों ना ये place explore करें. Last time, last वीकेंड में भी यहाँ पे आया था, लास्ट वीकेंड नहीं, लास्ट ट्यूसडे को भी यहाँ पे आया था मैं. तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी फैसिनेटिंग लगा, काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस लगा, सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं. सो सबसे पहले मिलाता हूँ जो मेरा फ्रेंड है पूती भाई, का नाम सुनील और निक नेम पूती है. तो हमारे साथ ये कानपुर से जुड़े हुए हैं. तो अभी हम चलेंगे इस प्लेस के अंदर, आप लोगों को दिखाएंगे कहाँ पे सिचुएटेड है, कैसा है. बने रहिए इस वीडियो में और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल. सो देर ना करते हुए लेट्स गो अहेड एंड चेक आउट. सो अगर आप इस तरफ से आएंगे ऊपर जो अंजुना के लिए रास्ता जाता है मेन मार्केट का, उधर से नीचे उतरते उतरते और इस तरफ थोड़ा सा आगे राइट साइड जाके पर्पल मार्टिनी है. पर्पल मार्टिनी की जस्ट पहले ये प्लेस है गुड प्लेस, प्लेस का नाम है गुड प्लेस. इसके जस्ट बाजू में लश है और यहाँ से एंट्रेंस होती है गुड प्लेस की. यहाँ पे देखिए बोर्ड लगा हुआ है और जो है बीच पे एकदम पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है. अभी हम अंदर चलेंगे और वाइब्स वगैरह आपको दिखाऊंगा अंदर. बाद में मैं वॉइस ओवर दे दूंगा क्योंकि अंदर म्यूज़िक काफ़ी लाउड है तो जिससे कि कॉपीराइट आ जाएगा. तो बाद में वॉइस ओवर दे देता हूँ, अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लोर कराता हूँ. सो गाइज, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं वॉइस ओवर दे दूंगा और तो चलो बात करते हैं इस प्लेस के बारे में. मैं लास्ट वीक, जैसा कि मैंने बताया था, लास्ट वीक मैं आया था यहाँ पे सेम डे को, ट्यूसडे को ही. सो मैंने ये प्लेस देखा पहले भी. मैं अब इसके बाजू में लश करके एक प्लेस है, वहाँ आके गया था. तब ये उसका हिस्सा था, अभी ये अलग हो गया है. तब मैंने इस प्लेस को देखा था, मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल वाइब्स आई थी तो सोचा क्यों ना एक्सप्लोर करूँ. तो लास्ट वीक जब मैं आया तो मुझे बहुत पसंद आया और हम थोड़ा जल्दी आए थे. आज थोड़ा आते आते लेट हो गया, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, मैं फंस गया था एक्चुअली ट्रैफिक में और कालंगूट से आते आते देर हो गया. तो ये देखिए इसके बाजू में ये लश दिख रहा है, यहाँ से कुछ लोग बैठे हुए हैं. तो ये लश वाला जो एरिया है वो थोड़ा ओपन एरिया है और इतना कलरफुल, मतलब जैसा ये प्लेस है वैसा नहीं, वो थोड़ा नीचे सिचुएटेड है. यहाँ की सीटिंग्स वगैरह बहुत प्यारी लगती है. आज थोड़ा मैं लेट हो गया आते आते. पहले जब मैं आया था 5 बजे के टाइम पे आया था, अराउंड 5 PM मैं यहाँ पे आ गया था और तब ये प्लेस इतना ब्यूटीफुल, इतना कलरफुल, इतना लाइट से भरा हुआ लग रहा था. अभी भी अच्छा लग रहा है क्योंकि कैमरे में शायद से उधर आगे की तरफ ज़्यादा एक्सपोजर ब्राइट है, उधर ज़्यादा ब्राइट लग रहा है, इसकी वजह से इतना कलरफुल नहीं दिखने को मिल रहा है कैमरे की वजह से. बट गाइस मैं आपको बता सकता हूँ, श्योरिटी दे सकता हूँ, इसका एम्बियंस बहुत ही प्यारा है. हाँ, हालांकि प्लेस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि यहाँ एम्बियंस की वजह से. अगर आपके पास बजट अच्छा है, आप एम्बियंस ऐसे एम्बियंस में इंजॉय करना चाहते हैं, देन दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस गाइस. एक्सपेंसिव है थोड़ा सा, जस्ट बिकॉज एम्बियंस प्यारा है और ऐसे एम्बियंस के लिए कोई भी पैसे देना चाहेगा. नॉर्मल पिज़्ज़ा वगैरह 400-500 रुपए का आपको मीडियम मिल जाएगा. वेज पिज़्ज़ा मैंने खाया था, दैट वाज अराउंड 400-500 रुपीज़. और देखिए यहाँ से पूरा सी व्यू और सनसेट तो बहुत ही प्यारा लगता है. लास्ट टाइम जब मैं आया था बहुत ज़्यादा लाइट चल रही थी, बहुत ज़्यादा एयर तेज़ थी, बहुत विंडी था. और अभी भी आते आते जब स्टार्टिंग का आपने जो वीडियो देखा, वीडियो स्टार्ट होने से पहले जो मैंने वीडियो डाला था वो सनसेट होने ही वाला था, तो जल्दी से मैंने आके वो रिकॉर्ड कर लिया और आप लोगों को दिखाने की कोशिश की सनसेट. तो वो छोटा सा सन दिख रहा था जो स्टार्टिंग के वीडियो में, वो सनसेट मैंने आपको दिखाने की कोशिश की. ये है मेन्यू, ओपन करते हैं मेन्यू की प्राइसिंग वगैरह जिससे आपको देखने को मिल जाए. क्लासिक कॉकटेल्स स्टार्ट होते हैं 400 समथिंग से और आप स्टॉप करके देख लीजिएगा, मैं नॉर्मल आपको दिखा देता हूँ. तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे विस्कीज़ के, सिंगल मॉल्ट के, डोमेस्टिक विस्की के, बट स्लाइटली एक्सपेंसिव है. जैसा कि मैंने कहा, प्लेस के ऊपर डिपेंड करता है, प्लेस अच्छा है तो एक्सपेंसिव होता ही है. और यहाँ पे म्यूज़िक भी बहुत अच्छा होता है गाइस, सामने डीजे लगा हुआ है, अच्छा म्यूज़िक होता है, अच्छी पार्टी वगैरह आप इन्जॉय कर सकते हैं यहाँ पे.
रात में भी काफ़ी अच्छा एम्बियंस हो जाता है। अभी लाइट्स वगैरह जैसे ही सन डाउन हो जाएगा, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, वैसे ही यहाँ पे म्यूज़िक भी बहुत अच्छा प्ले करते हैं। सो देखिए, पास्ता वगैरह, बर्गर्स वगैरह, कॉन्टिनेंटल फूड आपको यहाँ पे मिल जाएगा गाइस, और सैंडविचेस, लार्ज प्लेट्स वगैरह भी यहाँ पे मिलेंगे। सो ये छोटा सा मेन्यू है, अच्छा मेन्यू है, कॉन्टिनेंटल फूड है, ड्रिंक्स वगैरह के लिए बार है, और एम्बियंस बहुत ही प्यारा है गाइस। देखिए गाइस, लाइट्स वगैरह चालू हो गई हैं और भी अच्छा लगने लगा है देख के, बहुत ही ब्यूटीफुल लगने लगा है देख के। और गाइस, मैं बात कर रहा था सनसेट के टाइम की, सनसेट यहाँ से बहुत ही अमेजिंग लगता है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। जो सामने स्पॉट दिख रहा है वहाँ से बहुत ही प्यारी पिक्स आती हैं। अगर आप इस प्लेस में आगे जल्दी से आके रिजर्वेशन करा सकते हैं, देन आगे की जो सीट्स हैं, जो आगे डेक पे सीट्स बनी हुई है, वहाँ से बहुत ही प्यारा एम्बियंस लगता है। और इवनिंग में अभी लाइट चालू हो गई तो अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। सनसेट, अमेजिंग, मोस्ट अमेजिंग सनसेट फ्रॉम दिस प्लेस यू विल गेट टू सी गाइस। सो गाइस, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, लिटिल बिट एक्सपेंसिव, बट अगर व्यू बहुत प्यारा मिल रहा है तो चलता है इतना एक्सपेंसिव होना भी। सो अगर आपके बजट अच्छा है देन डू चेक आउट दिस प्लेस, गुड प्लेस इन अंजुना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड एंजॉय योर लाइफ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।